मैं आपको अभी चॉपर को ना किस तरह लॉक करते हैं और किस तरह सही तरीके से चलाया जाता है, मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ इसका। जो इसका बाउल है ना, जो बाउल के इसका ये वाला हैंडल होता है, ये आपने बिल्कुल जो इस पर एक लॉक बना होता है, इसके आपने ऊपर ला के रखना। देखिए ऊपर से एक निशान भी नज़र आ रहा होगा ये वाइट कलर का, ये आपने इसके ऊपर ला के रख के तो इसको ऐसे लॉक करना है। देखिए लॉक वाली साइड पर आ जाएगा यार, और जब आखिर में बिल्कुल सही तरह लॉक लग जाए तो तब ये चलेगा। उसके बाद ये इसका एक ब्लेड होता है जो चॉपिंग करने के लिए होता है, इसके आपने ऊपर वाली साइड पर लगाना है। उसके बाद इसके जो ऊपर टॉप होता है, अगर आपने इसके अंदर एक हर चॉपर के अंदर ये फंक्शन तो नहीं होता है कि साइड पे ये लगाने वाला है, कि मतलब साइड पे जो मसाला वगैरह चिपक जाता है उसको उतारने के लिए, लेकिन वेस्ट पॉइंट के चॉपर में आता है। ये आपने सबसे ऊपर लगाना है। उसके बाद इसका ऊपर भी एक लॉक का सिस्टम बना होता है, ये देखें, ये आपने इसके ऊपर लगाना है सही तरीके से, यहाँ पे, ये यहाँ पे। जब ये अगर फुल एंड तक हो जाएगा, लॉक लग जाएगा, ये देखिए, जब बिल्कुल ऊपर से प्रेस होगा तो एंड तक नीचे लॉक लग जाएगा और ये तब फिर ही चलेगा। और जो मसाले वगैरह होते हैं ना, जब साइड पे मसाला वगैरह चिपक जाता है तो उसको ऊपर से घुमा के बिल्कुल से साफ कर लिया करते हैं। तो ये देखें इजीली चल जाएगा। और अगर देखें थोड़ा सा भी इसका ऊपर वाला ढकना खुला होगा तो हम इसको चलाएँगे तो ये नहीं बिल्कुल वर्क करेगा। अगर हम इसको फौरन लॉक लगाएंगे तो साफ ही चल जाएगा, ये खोलेंगे तो बंद हो जाएगा।